नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुक विद सुषमा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों से मैंगो केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंगो केक बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। सबसे पहले हमें बनाना है मैंगो का ग्लेज। तो इसके लिए मैंने एक मैंगो लिया है, इसको हम छील के पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। मैंगो का पेस्ट बन गया है, तो अब हमें इसके लिए एक पैन लेना है। पैन में हमने जो ये मैंगो का पेस्ट बनाया है ये पूरा इसमें हम डाल देंगे। पैन में हमें इससे पहले कुछ भी नहीं डालना है। हाफ कप चीनी डालेंगे, इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक चीनी पूरी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। चीनी मेल्ट होने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे पकते पकते, और आप देख सकते हैं मैंगो का कलर भी पहले से चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक गया है। तो बस इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में पहले 1/2 कप पाउडर शुगर डालेंगे, 1/4 कप रिफाइन ऑयल डालेंगे। रिफाइन ऑयल की जगह आप घी का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन घी हमें मेल्ट वाला ही यूज करना है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। तो मिल्क मैंने 1 कप अभी पूरा लिया है, लेकिन हम इसमें अभी 3/4 पार्ट ही डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। वन फोर्थ टीस्पून हम डालेंगे वेनिला एसेंस। मिक्सर से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें हमें डालना है 1.5 कप मैदा। तो मैंने ये 1/2 कप वाला मेजरिंग कप लिया है, इससे मैं 3 कप डालूंगी। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। अब हम इसे चम्मच से मिक्स करने के बाद इसे छान लेंगे। बैटर को मिक्स करेंगे। बैटर को हमें सिर्फ मिक्स करना है, बहुत ज्यादा हम इसे फेटेंगे नहीं। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो का जो ग्लेज हमने बना के रखा था, ये डालेंगे करीब 2 चम्मच। इसे मिक्स कर देंगे। अभी बैटर ठीक लग रहा है, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा मिल्क और डालेंगे। वापस से इसे मिक्स करेंगे और ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम इसे फटाफट केक टिन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये मैंने केक टिन में बटर पेपर लगा के ऑयल लगा रही हूँ, इसी पे हम पूरा बैटर ट्रांसफर कर देंगे। तीन से चार बार हम इसे टैप करेंगे, उसके बाद हम इसे कुकर में रख देंगे। कुकर को मैंने 10 मिनट प्रीहीट किया था। अब हमें इसे 30 से 35 मिनट तक पकने देना है, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। पैंतीस मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें नाइफ डाल के चेक करूंगी। ये देखिए नाइफ में बिल्कुल भी केक नहीं लगा है, इसका मतलब है केक अच्छे से पक गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और 10 मिनट इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे।
केक ठंडा हो गया है, तो अब हम नाइफ की हेल्प से केक को चारों तरफ से बर्तन से सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसे पलट देंगे और केक अपने आप निकल जाएगा। और अब इसका बटर पेपर हमें अलग हटाना है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, हाथ से टच करने पर ही इतना दब रहा है। तो अब हमें इस केक की ऊपर वाली परत हटानी है, तो इसके लिए मैं नाइफ से केक के चारों तरफ इसमें पहले हल्का हल्का सा कट करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा कट करके, ताकि ये इसके ऊपर की परत बड़े आराम से निकल जाए बिना टूटे। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ से करने के बाद हम इसका बीच का पोर्शन भी कट कर लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर की परत निकल गई है और बिल्कुल भी नहीं टूटी है। अब हमने जो मैंगो ग्लेज बना के रखा था वो पूरा हम इसके ऊपर डाल लेंगे। और नाइफ की हेल्प से हम इसे चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके ऊपर कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैं चॉकलेट को मेल्ट करूंगी, तो इसके लिए मैंने एक छोटे से बर्तन में पानी रखा है। इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरा बर्तन और उसमें हमने चॉकलेट डाली है। ये करीब 50 ग्राम चॉकलेट होगी और एक मिनट के बाद ये चॉकलेट अपने से मेल्ट होने लगेगी। आप डार्क कंपाउंड ले सकते हैं या फिर मिल्क कंपाउंड, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने ये मॉर्डे कंपनी का लिया है, ये डार्क कंपाउंड है। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक ग्लास के ऊपर ये पाइपिंग बैग रखा है, इसमें हम सारी चॉकलेट को इसमें डाल लेंगे और एक कोन की तरह बना लेंगे। आप केक के ऊपर कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें। तो मैं इसमें गोल गोल करके सर्किल बनाऊंगी। और अब मैं एक टूथपिक से इसमें डिजाइन दे रही हूं। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंग बॉल्स डाल रही हूं, ये कलरफुल वाली है। ये देखिए मैंगो केक बनके रेडी है। तो दोस्तों आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग कुक विद सुषमा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।